नमस्कार दोस्तों, अपने बात कर रहे थे भोजन और उसके घटकों के बारे में। भोजन और उसके घटकों से संबंधित हमने पहले 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें पहले में अपने चर्चा की थी कार्बोहाइड्रेट के बारे में, दूसरे में वसा के बारे में, तीसरे में प्रोटीन के बारे में, चौथे में विटामिन के बारे में और पाँचों में चर्चा की थी खनिज लवणों के बारे में। इसमें अपने चर्चा करेंगे मुख्य रूप से जल के और रुक्षांश या रेशों के बारे में। इन सभी वीडियो को आप एक साथ देख सकते हैं रेड स्पेशल साइंस नाम से एक प्लेलिस्ट है उसमें, और उस प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये जो टॉपिक्स हैं वो आने वाले एग्जाम से जैसे रीट लेवल फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, पटवार हो गया, कांस्टेबल हो गया, उनकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक बार टेट का एग्जाम हो, सी टेट का हो या फिर रीट का हो या कांस्टेबल का, उनमें एक दो क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जा चुके हैं। तो हमने चर्चा करेंगे इसमें जल के बारे में, और साथ में इसकी जो PDF है वो आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर आपको ये फ्री में PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। जल की बात की जाए तो जल भोजन व उसके घटकों में छठा महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है। हमारे शरीर में लगभग 65 से लेकर 70% तक जल होता है। जल कोशिका द्रव्य में, रुधिर प्लाज्मा, उत्कों के अंतराकोशिकीय द्रव्य में उपस्थित होता है, यानी उनके घटकों के रूप में ये पाया जाता है। जल का कार्य की बात की जाए तो जल शरीर में मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों के परिवहन में, पाचन में, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करवाने में सहायक होता है। लास्ट अपने भोजन का जो लास्ट घटक आता है वह रुक्षांश, रेशे या फाइबर, इसको अपने सहायक पोषक तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि इसका शरीर में पाचन नहीं होता, ये केवल सहायता करता है पाचन तंत्र को साफ करने में। रेशों के बारे में बात की जाए तो खाद्य पदार्थों जैसे फल हो गए, सब्जियां हो गई, इनमें उपस्थित जो रेशेदार भाग है वो खाद्य रेशे कहलाता है, जिसमें मुख्य रूप से बात की जाए तो सेलुलोज युक्त होते हैं, जिनका शरीर में पाचन नहीं होता। इनके अगर हम कार्य की बात करते हैं तो कार्य क्या है, इनका पाचन तंत्र को साफ व स्वस्थ बनाए रखना होता है। दूसरा कार्य मुख्य है मल त्याग में सहायता करना। तीसरा कार्य है शरीर की जल धारण क्षमता को बढ़ाना। ये इनके 3 मुख्य कार्य होते हैं। अगर हम स्रोत की बात करते हैं तो इनका स्रोत है फल, सब्जियां, दालें, मक्का, दलिया, सलाद, यह है इनके मुख्य स्रोत। यानी अपने कह सकते हैं कि जो मोटा अनाज है जिसको हम पेट साफ करने के लिए खाते हैं वो रुक्षांश, रेशे या फाइबर कहलाते हैं। उसके बाद आता है संतुलित भोजन। संतुलित भोजन क्या होता है, तो ऐसा भोजन जिसमें स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व है, जल व रेशेदार खाद्य उचित मात्रा में उपस्थित हो तो वह संतुलित भोजन या आहार कहलाता है। यानी ऐसा भोजन जिनसे हमें प्रोटीन भी मिले, विटामिन भी मिले, खनिज पदार्थ भी मिले, जल भी मिल जाए और जिसमें आहार या रेशे भी हो, वो भोजन कहलाएगा संतुलित भोजन। भारत में जो संतुलित भोजन का निर्धारण किया जाता है वो एक संस्था द्वारा किया जाता है जिसको ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नाम से जाना जाता है। इस संस्था के द्वारा किया जाता है। कुपोषण की बात करते हैं तो अगर आहार में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो उस कमी से उत्पन्न होने वाली जो कंडीशन है, स्थिति है, उसको अपने कुपोषण के नाम से जाना जाता है। यानी कुपोषण क्या है कि पोषक तत्व में अगर कमी हो जाए तो उससे उत्पन्न होने वाली जो स्थिति या जो रोग है वो कुपोषण कहलाते हैं। शरीर में जो उपस्थित खाद्य पदार्थ हैं उनके विघटन के क्रम की बात की जाए तो सबसे पहले विघटन होगा कार्बोहाइड्रेट का 1 नंबर पे, फिर वसा का विघटन होता है और फिर प्रोटीन का विघटन होता है। ये इनका क्रम है 1 से लेकर 3 तक। उसके बाद है शरीर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का घटता क्रम। इनका घटता क्रम क्या है, तो सबसे ज़्यादा होते हैं प्रोटीन, फिर होती है वसा, 3 नंबर पे होते हैं कार्बोहाइड्रेट और फिर होते हैं न्यूक्लिक एसिड। यानी इनका ये घटता क्रम है, सबसे ज़्यादा मात्रा प्रोटीन की है, फिर वसा की है, फिर कार्बोहाइड्रेट की है और लास्ट में न्यूक्लिक अम्ल की है। उसके बाद भोजन में उपस्थित घटकों से ऊर्जा प्राप्ति का क्रम क्या है, ऊर्जा सबसे ज़्यादा किन से प्राप्त होगी, तो सबसे ज़्यादा वसा से 9.0 किलो कैलोरी,
प्रोटीन से 4.0 या लगभग मानी जाती है 4.1 किलो कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट से 4.0 किलो कैलोरी। तो सबसे ज़्यादा किससे हो रही है, वसा से, दो नंबर पे होती है प्रोटीन से, और तीन नंबर पे सबसे कम हो रही है किससे, कार्बोहाइड्रेट से। तो ये तो थे इनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। अब जो पीछे कुछ क्वेश्चंस आए गए उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन था, कौन सा भोजन समूह है किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर ऊर्जा प्रचुरतम है, यानी इनमें जो भोजन का एक समूह दे रखा है इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलेगी। यह रीट L2 साइंस मैथ 2018 में आ चुका है। तो इसमें अगर अपने करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर होगा तीसरा, तेल व वसा एवं दृढ़ फल व तिलहन। पहले ऑप्शन की अगर देखें तो उसमें अनाज, मिलेट व दालें हैं। तो अनाज में कार्बोहाइड्रेट होता है और साथ में दालें हैं, तो इनसे ऊर्जा मिलेगी 4.0 किलो कैलोरी। सब्जियों फल की बात की जाए तो इनसे भी अपने प्रोटीन मिल सकती है या फिर कार्बोहाइड्रेट मिल सकते हैं, लेकिन ऊर्जा कितनी मिलेगी, 4.0 किलो कैलोरी। लास्ट की बात करते हैं तो लास्ट में दूध एवं दूध उत्पाद है, तो दूध के अंदर कुछ मात्रा में प्रोटीन होती है, कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होती है, शर्कराएं होती हैं। तो और अंडे और मांस में भी बात करें तो इनसे भी कुछ मात्रा में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और वसा मिल सकती है। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है उसमें तेल से भी वसा मिलती है, साथ में वसा दे रखा है, दृढ़ फलों और तिलहन से भी मुख्य रूप से वसा मिलती है, जिनसे अपने 9.0 किलो कैलोरी प्रति ग्राम से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा मिलेगी वो तीन नंबर ऑप्शन सही है। उसके बाद बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन है, ये बिहार टेट 2011 में आ चुका है, तो इनका मुख्य भोजन होता है चावल। और चावल में मुख्य रूप से स्टार्च शर्करा होती है, यानी मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किससे मिलती है। छत्तीसगढ़ टेट 2011 में आ चुका है, तो इसमें सर्वाधिक जो प्रोटीन मिलती है वो दालों से मिलती है और इसमें सोयाबीन दाल है, तो तीन नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है। तो अगर प्रोटीन मुख्य रूप से अपने दालों से मिलती है तो इसमें जो तीन नंबर ऑप्शन है उसमें सोयाबीन भी दाल है, चना भी दाल है, मक्का तो कार्बोहाइड्रेट में आ जाता है, लेकिन इसमें दो दालें देर की हैं, तो दालों से हमें सर्वाधिक प्रोटीन मिलेगी। ये यूपी टेट 2011 में आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिंडी में पाया जाता है, यूपी टेट 2011 में आ चुका है। भिंडी के अंदर फास्फोरस भी होता है, विटामिन ए भी होती है और विटामिन सी भी होती है, यानी उपरोक्त सभी उत्तर सही होगा, तो इसमें चार नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अपने चर्चा करते हैं, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, यूपी टेट 2013 में आ चुका है क्वेश्चन। अगर हम चावल को पॉलिश करेंगे तो इससे थायमिन यानी विटामिन B1 की कमी हो जाएगी, तो विटामिन B1 की कमी होगी, तो ऑप्शन तीन नंबर सही है। चौथा है ऑप्शन सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड, शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है, एचटेट 2014 में आ चुका है। तो चावल में कार्बोहाइड्रेट है, आलू में भी कार्बोहाइड्रेट है, शर्कराएं हैं, ब्रेड में भी कार्बोहाइड्रेट है, शक्कर में भी सुक्रोज है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है इन पदार्थों में, इनका एग्जाम्पल लेगा तो क्या पढ़ाना चाहेगा, वो कार्बोहाइड्रेट पढ़ाना चाहता है, तो इसमें दो नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है, ये यूपी टेट 2016 में आ चुका है। जो इन अपने हार्मोन होते हैं वो या तो प्रोटीन से बने होते हैं या वसा से बने होते हैं। अगर इंसुलिन की बात की जाए तो इंसुलिन मुख्य रूप से प्रोटीन प्रकृति का होता है, तो दो नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समूचे में लोहे तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो लोहे तत्व की अगर प्रचुरता की बात की करें अपने तो आंवला, पालक और गुड़ में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो एक नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सी टेट सितंबर 2016 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्कोर्बिक अम्ल है, एस्कोर्बिक अम्ल होता है विटामिन, एस्कोर्बिक अम्ल विटामिन सी का नाम है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन नहीं है लेकिन ऑप्शन दे रखा है विटामिन, तो ए सही हो जाएगा। ये ASM छत्तीसगढ़ 2004 में आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देह निर्माता किसे कहते हैं, SSC CPO 2005 में क्वेश्चन आ चुका है। देह निर्माता या अपने शरीर के निर्माण करने वाले घटक की बात करें तो वो होती है प्रोटीन, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पकाने से पहले चावल को अधिक मात्रा वाले पानी में कई बार धोने से क्या फर्क पड़ेगा? सीटेट 2012 L2 साइंस मैथ में आ चुका है। बात करते हैं अपने विटामिन ए नष्ट हो जाती है, विटामिन बी नष्ट हो जाती है, या फिर जल विलय कार्बोहाइड्रेट नष्ट हो जाते हैं, या स्थाई प्रोटीन नष्ट हो जाती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर माना था वो माना था 4 नंबर, यानी इनको बार बार धोएंगे तो इसकी जो स्थाई पर प्रोटीन है या स्थाई प्रोटीन है वो नष्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जनित रोग है यानी जल के कारण होने वाला रोग कौन सा है? यूपीटेट 2011 में आ चुका है। पहला ऑप्शन अतिसार, छोटी माता, रक्ताल्पता या मस्तिष्क जबर। तो इसमें से छोटी माता भी नहीं होगी, मस्तिष्क जबर भी नहीं होगी, रक्ताल्पता भी नहीं होती, बचा है अतिसार, यानी अतिसार हो जाते हैं या दस्त लग जाते हैं, पेट खराब हो जाता है जल की दूषित अगर जल पीते हैं तो उसके कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा व दिव्या छोटी लड़कियाँ हैं, मीरा समोसे, कटलेट, डबल रोटी खाना पसंद करती है, तो जबकि जो दिव्या है वो ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लोहे तत्व की कमी है, जिसमें किसकी कमी है? लोहे तत्व की। तो मीरा व दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? क्रमशः बीमारी पूछिए, सीटेट जून 2011 में आ चुका क्वेश्चन है। तो मोटापा व सकर्वी, समोसे, कटलेट, डबल रोटी खाने से मोटापा हो सकता है, लेकिन अगर लोहे तत्व की कमी होगी तो सकर्वी रोग नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है सकर्वी व एनीमिया, नहीं हो सकता। तीसरा है एनीमिया व रतौंधी, ये भी नहीं हो सकता। चौथा है मोटापा व एनीमिया, तो ये मोटापा व एनीमिया हो सकता है। तो मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खा रही है तो उसमें मोटापा हो जाएगा, और जो दिव्या है वो लोहे तत्व की कमी वाला भोजन खा रही है तो उसमें एनीमिया हो जाएगा। इनका कर्म से पूछा है तो मीरा मोटापा हो जाएगा मीरा की, और जो दूसरी दिव्या उसको एनीमिया हो जाएगा, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों ये तो थे अपने भोजन व उसके घटकों से संबंधित मुख्य फैक्ट्स, अपने चर्चा कर चुके हैं टोटल इन वीडियो में, और इनकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है रीड साइंस स्पेशल साइंस नाम से, आप उसको चेक कर सकते हैं। और अगर ये अच्छी लगती है या कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आई है या PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपनी इसकी पार्ट लेके आएंगे जिसमें इनसे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतनी ही चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और भी इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।